तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की तीसरी वीडियो को और बात करते हैं बहुत ही फेमस और वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग ब्रीड के बारे में, जो है डोबरमैन। सो फ्रेंड्स, डोबरमैन के लिए आप में से बहुत से लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे और बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आते थे कि भाई डोबरमैन के ऊपर वीडियोस कब लेके आओगे। तो आज की हमारी सेकंड वीडियो है डोबरमैन के ऊपर। पिछली वीडियो में एक एडल्ट डोबरमैन था, बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छोटे पपीज के बारे में। तो अगर इन पपीज की क्वालिटी के बारे में बात करें तो क्वालिटी वाइज ये पपीज काफी अच्छे हैं। आगे मैं आप लोगों को इनके मदर फादर की फोटोज भी दिखाऊंगा और इस वीडियो में आप लोगों को इन पपीज पे दोनों ही कलर्स देखने को मिल जाएंगे, चॉकलेट एंड ब्लैक एंड टैन। तो इन दोनों कलर्स में से आपका फेवरेट कलर कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, पपीज बहुत ही एक्टिव और हैवी बोन है, तो आप में से जिसकी भी एक गार्ड डॉग की रिक्वायरमेंट है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि डोबरमैन वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग्स की कैटेगरी में आते हैं और इन्हें इस चीज के लिए ट्रेन करने की भी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये नेचुरली गार्ड डॉग्स होते हैं। डोबरमैन वफादार होने के साथ साथ बहुत ही प्रोटेक्टिव डॉग्स भी होते हैं। इन्हें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि इनके सामने कोई इनकी फैमिली या ओनर को टच भी करे। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि डोबरमैन बहुत ही अग्रेसिव डॉग ब्रीड है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप लोग इन्हें अच्छे से सोशलाइज करें तो ये सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से रह सकते हैं। डोबरमैन किसी पे जानबूझ के अटैक नहीं करते, या तो वो अपनी फैमिली को सेव कर रहे होते हैं या फिर अपने आप को। जिनके पास डोबरमैन है या फिर जिन्होंने अपने डोबरमैन को अच्छे से सोशलाइज किया हुआ है, वो लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि डोबरमैन ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते। सो गाइस, पपीज की क्वालिटी तो आप लोग देख ही चुके हैं, जो कि काफी अच्छी है। अभी जो आप लोग देख रहे हैं, ये इन पपीज की मदर है और ये है इनके फादर। तो क्वालिटी दोनों की बहुत ही मस्त है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो इन्हें परचेज करने से पहले एक बार आप लोग डॉग ओनर से जरूर डिस्कस करें। उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी वाइज आप लोगों को इन पपीज में कोई भी इशू देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनकी एज और लोकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इन डोबरमैन पपीज की जो एज है वो 40 डेज हो चुकी है और इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो सबसे खास बात है वो है इनकी डिलीवरी को लेके। ये पपीज आप लोगों को कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएंगे। तो ये जो ऑफर है ये सिर्फ आप लोगों को दिल्ली NCR में ही मिल पाएगा। अगर आप लोग आउट ऑफ दिल्ली से हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट विजिट करके इन्हें परचेज करना होगा, क्योंकि डिलीवरी आप लोगों को अवेलेबल नहीं मिल पाएगी। बट जो ओनर कैश ऑन डिलीवरी का ऑफर देते हैं, ये बहुत से लोगों को काफी पसंद आता है। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। बट उससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर प्रेस करके उसे ऑल पर करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो बात करते हैं इनकी प्राइसिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए, और फीमेल की है 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए। तो इनकी क्वालिटी तो आप लोगों ने देख ही ली है। तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप लोगों को इनका प्राइस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। बाकी गाइस, ये प्राइस फिक्स नहीं है, तो प्राइसिंग में आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से बात करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय।